पब्लिक टीवी आपकी आवाज। पुलवामा में आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए मुरादाबाद में कैंडल मार्च निकाला गया। मुरादाबाद में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। हाथों में मोमबत्ती लेकर नम आंखों के साथ पहले तो इन छात्रों ने कैंडल मार्च निकाला, सभी को एक जगह एकत्रित होकर श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि देने वाले छात्रों ने सरकार से अपील की जल्द ही सर्जिकल स्ट्राइक कर 18 के बदले उससे 10 गुने अधिक आतंकवादी मारे जाएं। वहीं पाकिस्तान पर आरोप लगाते हुए कहा कि कायराना हरकत कर सकते हैं लेकिन हिम्मत है तो सामने से लड़ाई करें। जिस तरीके से आतंकियों द्वारा आज एक कायराना हरकत हमारे सीआरपीएफ के जवानों पर के काफिले पर हमला किया गया, उनकी एक कायराना हरकत, उसके जो उसमें जो 18 हमारे जवान शहीद हुए उनको अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मुरादाबाद महानगर द्वारा श्रद्धांजलि दी गई कैंडल मार्च निकाल कर। मुझे याद आता है आज वही 14 फरवरी का दिन है जिस दिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को फांसी की भी सजा सुनाई गई थी और आज एक कायराना हरकत आतंकियों द्वारा की गई है। मैं कहना चाहता हूं अगर उनमें इतना दम है या पाकिस्तान में इतना दम है तो मेरे देश के जवान से लड़के दिखाए, सामने से लड़के दिखाए। ये कायराना हरकत करके जो बार बार वो करते हैं इससे वो नापाक अपने जो इरादे हैं उनके कश्मीर को छुड़ा लेने के उनका कभी इरादा पूरा नहीं हो पाएगा। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का हर कार्यकर्ता, मेरा हर कार्यकर्ता जिस तरीके से वहाँ पे 40 से 50 जवान घायल भी हुए हैं तो अगर किसी भी को भी खून की आवश्यकता पड़ती है तो हमारे विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता देश भर से जाएगा और वहाँ हमारे जवानों को खून और हर तरीके से मदद प्रयास कराएगा। तो आज आपने कैंडल मार्च निकाली? जी, आज हमने मुरादाबाद महानगर के लाइन पार इकाई द्वारा कैंडल मार्च का आयोजन किया गया। जो हमारे शहीद भाई हैं, जवान हैं जो शहीद हुए हैं उनकी याद में हमने कैंडल मार्च का आयोजन किया। क्या मानते हैं जिस तरह से हरकत करी गई, जवान शहीद भी हुए हैं? मैं मानता हूँ इनकी इतनी औकात तो है नहीं जो हमारे जवानों पे सीधे से हमला कर ले, तो ये इसी तरीके की नापाक कायराना हरकत कर सकते हैं हमारे जवानों पर। किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? देखिए, मैं साफ साफ जिम्मेदार मानता हूँ पाकिस्तान की उस सरकार को जिस देश से निकलकर ये आते हैं और हमारे देश में घुसते हैं, उसको मैं पूरा पूरा जिम्मेदार मानता हूँ। और मैं सरकार से ही मांग करता हूँ कि अगर हमारे 18 जवान शहीद हुए हैं उनके बदले में जब तक 18 की जगह 180 आतंकियों का बदला नहीं ले लिया जाएगा जब तक हम बदला नहीं मानेंगे अपने देश के 18 जवानों का। हमें 180 आतंकियों की लाश से बदला लेना है। बिल्कुल।